नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाटा की हाल में ही लॉन्च हुई मिनी कम्पैक्ट एसयूवी पंच के एक फीचर ब्रेक स्वे कंट्रोल के बारे में जानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टाटा इसे स्वे कंट्रोल बार या एंटी रोल बार या जिसे हम स्टेबलाइजर बार के नाम से भी जानते हैं उसका एक नए नामकरण के तहत ब्रेक स्वे कंट्रोल कह रही है। आखिर स्वे कंट्रोल बार होता क्या है? एक्चुअली जब हम शार्प टर्न लेते हैं या कॉर्नरिंग करते हैं तो हमारा जो बाहरी पहिया होता है उस पे वजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इनर व्हील होती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। अगर ये ज़्यादा होता है तो कार पलट भी सकती है। तो इसी स्वे को बचाने के लिए, इसी रोल को बचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे ही स्वे कंट्रोल बार या एंटी रोल बार या स्टेबलाइजर बार कहते हैं। कई गाड़ियों में ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, कई गाड़ियों में नन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। इसका दूसरा काम हमें लेस बम्पी राइड भी प्रदान करना होता है। जब भी हम अनइवन सरफेस जैसे गड्ढों से गुजरते हैं तो हमारे दोनों टायरों का ट्रैवल बराबर हो, इस चीज का ध्यान स्वे बार कंट्रोल रखता है जिससे हमें एक स्मूथ राइड मिल सके। ये आखिर लगाया कहाँ जाता है? यह मुख्यतः सस्पेंशन आर्म के लोअर आर्म में लगाया जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो फ्रंट सस्पेंशन में लगाया जाता है, यदि रियर व्हील ड्राइव है तो रियर सस्पेंशन के लोअर आर्म में इसे लगाया जाता है। सो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो हाई स्पीड कॉर्निंग और टर्निंग में हमारी गाड़ी को स्टेबिलिटी और टायरों को ग्राउंड पे चिपके रहने के लिए स्वे बार कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much.